चंबरासुर कहता है मेरे सामने तो कई आते हैं बालक कई जाते हैं, कई योद्धाओं को मैंने परास्त किया है। प्रद्युम्न कहते पर मेरे जैसे योद्धा को आज तक तुमने परास्त नहीं किया। महाराज आज मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि एक बालक में कितनी शक्ति हो सकती है। संभ्रासुर उस समय, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति जो होता है ना, उसे थोड़ा सा गुस्सा दिला दो, उसकी बुराई कर दो, जो व्यक्ति का मन द्वेष से युक्त होगा ना, उसकी बुराई उसकी मुंह पे कर दो। अगर पता करना हो ना कि ये इंसान कैसा है, क्योंकि पीठ पीछे तो सभी चुगली करते हैं, सभी निंदा करते हैं, भाई ओ और तो हमें पता है वो तो बिल्कुल ऐवे ही है। जैसे एक बार राजा के दरबार में दो विद्वान पहुंचे, दो संत पहुंचे। अब दोनों ही विद्वान हैं, राजा ने सोचा कि एक को तो छोटा बनना ही पड़ेगा, परंतु दोनों छोटा नहीं बनना चाहते, दोनों ही चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं श्रेष्ठ बनूं। राजा ने सोचा पहले इनकी जो विद्वता है, बुद्धि है, वो तो ज्ञान इनके पास होगा, परंतु कितने सहनशील है, कितने इनके अंदर दयालुता का भाव है, पहले देखे तो सही। तो राजा ने उस समय जैसे ही दोनों को बुलाया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप संत हैं, महापुरुष हैं, तो आप पहले स्नान कर लो, उसके बाद भोजन करने के बाद फिर आपकी विद्वता का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। कहते ठीक है। एक विद्वान गया स्नान करने के लिए, दूसरे से कहा कि आप जानते हो ये इतना विद्वान है। दूसरा कहता है अरे वो तो बिल्कुल बैल है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। और उस समय वो वहीं पर बैल कहके बैठा रहा। उसके बाद दूसरा जो था वो नहाकर आया, और ये वाला जो जिसने बैल कहा था ये नहाने के लिए चला गया। जो नहाकर आया उससे राजा ने पूछा कि ये बताओ कि वो कितना विद्वान है। कहते वो तो बिल्कुल गधा है, आप विद्वता की बात करते हो। अब पीठ पीछे एक दूसरे का परिचय दे दिया, मुंह पे किसी ने परिचय नहीं दिया कि कौन कैसा है। और उस समय राजा ने क्या किया, जब भोजन करने के लिए थाली सामने आई तो एक के सामने तो हरा चारा रख दिया, एक के सामने सूखा रख दिया, और दोनों के सामने जब रखा तो समय दोनों ही विद्वान क्रोध में आ गए कि अरे मेरा अपमान करते हो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसी विद्वान की कितनी आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, परंतु आप मेरा यहाँ पर अपमान करने के लिए हमको बुलाया है राजन।